हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कि जब भी आप फेलर हो जाते हो किसी भी इंटरव्यू में, फिर आप पीछे क्यों हट जाते हो। तो इस टॉपिक आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपने डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर लिया, फिर आप जाते हो ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग में आपको डीमोटिवेट करने वाले सबसे ज़्यादा मिलते हैं और आपको कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आपको फेलर बोला जाता है। आप फेल हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपको अभी आपके स्टार्टिंग है। फिर आप पीछे हट जाते हो, आप सोचते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, मुझे कुछ नहीं आता, और आप फेलर अपने आप को खुद ही समझ लेते हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डिमोटिवेट करता है, आपको कोई भी कहता है कि आप फेलर हो, आपको ये काम अच्छे से नहीं आता, बट आप अपनी नज़रों में ही क्यों आप गिर जाते हो, आप खुद ही अपनी नज़रों में खुद अपने आप को क्यों मान लेते हो कि मैं एक फेलर हूँ। आपको नहीं मानना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आपको सोचना है कि कोई दुनिया आपको जो मर्जी कर ले, अगर आपका नज़रिया अच्छा है, आप खुद को अपने अंदर अच्छे से देखते हो कि हाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मेरे अंदर कमी नहीं है, तो बस आप आगे बढ़ सकते हैं और आप फेलर होने से बच सकते हैं। आपको अगर कोई फेलर करता, मीन्स अगर आप फूड ट्रायल में गए हो, आपके शेफ ने आपको बोल दी ये आपने डिश जो है अच्छी नहीं बनाई है, आपको फेल कर देते हैं और आपका इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं, तो भी आपको उससे कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचे कि हाँ मुझे तो कुछ आता नहीं, मेरा तो इंटरव्यू कैंसिल हो गया, अब मैं आगे क्या करूँ, इससे अच्छा तो मैं कोई डॉक्टरी कर लेता या कोई इंजीनियर कर लेता, मैं तो ऐसी इसमें आके फंस गया, मेरे दोस्त अच्छे सही कहते थे, मेरे जो फ्रेंड है वो सही कह फ्रेंड और जो मेरे भाई है वो भी मुझे सही कहते थे, और मैं पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पर ना, पढ़ाई ना करने के कारण। इस ऐसा कुछ नहीं है, आपको कॉलेज के बाद भी आगे अगर बढ़ना है तो आपको पढ़ते रहना है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले से बात कैसे किस तरह करते हो। आप अपना खुद का एक अपना सोशल मीडिया पे आइए, यूट्यूब चैनल खोलिए, चाहे आप कोई भी बुक लिखिए, कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को अपना निकालिए, तो इससे आप फेल होने से बच सकते हो। आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए और आप खुद को फेल मत समझिए। आपने सोचो कि कोई नहीं मैंने अच्छा बनाया, अगर किसी ने आपके अंदर कोई कमी भी निकाली है तो उस कमी को पूरा करिए। आप सोचिए कि हाँ अगर मेरे अंदर ये कमी है तो मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, तो आगे नेक्स्ट अपना स्टेप बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं कि किसी ने आपको बोल दे कि नहीं तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारी रेसिपी गलत है और तुम इंटरव्यू में फेल हो जाते, तो आगे नेक्स्ट ट्राई कीजिए। ये नहीं कि वहीं के वहीं बैठ गए और अपने आपको फेलर समझ लिया, उसी से सीख लिए कि आपको किस पॉइंट पे गलत बोला गया है, किस पॉइंट पे आप फेलर हो गए हो, उस फेलर को आप इम्प्रूव कीजिए, उसी से आप सीखिए। आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होइए, आपको फेलर होने से बचना है। अगर आपको कोई फेलर बोलता है उसको आप पॉजिटिव थिंग में लीजिए कि हाँ इसने मुझे आगे का फ्यूचर दिखाया है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस कमी को पूरा करूँगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपको ये सब करना है, तो आप अपनी लाइफ में फेलर होने से बच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट या कोई भी शेफ फेलर के नाम से जब आपको कई बार किसी भी सिचुएशन पे आपको फेलर बोल दिया जाता है कि आप फेलर हो, अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है, आप फेल हो गए हो, आपका इंटरव्यू कैंसिल हो गया, चाहे आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया, तो आपको उससे कुछ सीखना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, अपनी कमियों को पूरा करना है, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो और आप इससे फेलर होने से बच सकते हैं। अगर आपको कोई भी डीमोटिवेट करता है, आपको कोई भी इंटरव्यू में फेल करता है, तो आप फेलर होके मत बैठिए घर पे, आप उसको देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी थी, उस कमी को पूरा कीजिए और किसी की बातों में मत आइए, अपनी दिल की सुनिए और अपनी आप की सुनिए, और अपने आप को किसी से कम मत समझिए। आप समझिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे को अंदर कोई कमी निकाली है तो कोई नहीं, मैं इस कमी को पूरा करूंगा या करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन
दबा दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।